बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर हाजिर हूँ खास सूर्य ग्रहण पर एक विशेष ये कहीं ना कहीं वीडियो जो कि आपका मार्गदर्शन करेगा कि भाई सूर्य ग्रहण जो पड़ने वाला है 10 जून को वो कैसा रहेगा। तो देखिए उसका प्रभाव, उसके उपाय जरूर बताऊंगा राशि अनुसार, लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए आखिर ये माजरा क्या है भाई। तो 10 जून को शनि जयंती है, 10 जून को वट सावित्री का व्रत है, 10 जून को ही सूर्य राहु एक साथ वृषभ राशि में होंगे जो कि एक खराब गोचर है, जो कि एक खराब ग्रहण है। निश्चित तौर पर इसकी वानगी देखने को मिलेगी और कुछ देशों पे इसका गहरा प्रभाव होगा। प्रभाव पूरे संसार में होगा, ग्रहण तो ग्रहण होता है। हाँ ठीक है, सूतक के नियम माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे वो एक दूसरी बात है, लेकिन निश्चित तौर पर जो ग्रहण होता है वो तो ग्रहण ही होता है ना। ग्रहण मतलब कि किसी चीज को ग्रसित हो जाना, ग्रहण मतलब कि देवी देवता आपकी प्रॉब्लम आपकी समस्याएं ग्रहण करें। तो इसलिए पूजा पाठ अच्छा माना जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि 148 साल बाद शनि जयंती के दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। आखिरी ये घटना 26 मई 1873 में हुई थी, उसके बाद ये 10 जून को होने जा रहा है। तो इसका क्या भाई असर पड़ेगा, लोग डरा रहे हैं धमका रहे हैं, कोई असर खास नहीं है, लेकिन हाँ शनि जयंती पे पड़ना और सूर्य शनि की वैसे ही ये चलती है और सूर्य देव प्रकाश के देवता, दिन के राजा, शनि देव अंधकार के देवता, रात के राजा। तो ये एक विरोधाभास है, कोई दुश्मनी नहीं है भाई। पिता पुत्र के विचार नहीं मिलते हैं, पुत्र लैपटॉप और इंटरनेट यूज करने वाला, पिता खत लिखने वाले, तो थोड़ा ये समस्या रहती है। तो इस वजह से ये एक समस्या है। सबसे बड़ी बात किस समय पड़ रहा है, 1:42 से 6:41 तक, करीब करीब 5 घंटे ये ग्रहण भारतवर्ष पे होगा। भारतवर्ष के कुछ इलाके पूर्व की तरफ और खास तौर से जम्मू के इलाकों में कुछ क्षण भर के लिए ये देखा जाएगा, लेकिन ये एक आंशिक ग्रहण है, पूर्ण ग्रहण नहीं है। पहली बात, भारत पे पूर्ण असर नहीं है, इसलिए क्या सूतक के नियम लगेंगे, नहीं लगेंगे। तो खाना पीना, मंदिर के कपाट खोलना, मंदिर में पूजा करना, इस पे कोई भी किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई। मेरी प्यारी बहनें, माएँ माताएं जो गर्भवती हैं या जिनका छोटा बच्चा है, ना डरना ना घबराना, पर सावधान रहना, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लग रहा है, थोड़ा बहुत ये जो ग्रहण का असर स्वास्थ्य पे आएगा लोगों के, तो उसको ठीक करने के लिए बस थोड़ा सा पूजा पाठ बता दूंगा, राशि अनुसार वो कर लीजिएगा। अब भाई बड़ा मुद्दा कि कहाँ कहाँ दिखेगा, रूस, कनाडा, मंगोलिया, एशिया, अमेरिका, ब्रिटेन में यह आंशिक रूप से दिखेगा। स्कॉटलैंड में सूर्य का 30% हिस्सा ग्रसित होगा, इंग्लैंड में 20% और अमेरिका के पूर्वी राज्यों में 70% कहीं ना कहीं ग्रहण की वजह से ग्रसित होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए कोई बड़ी समस्या तो दिखती नहीं है। एक बस से कहीं ना कहीं 5 बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि 6:41 तक रहेगा 5 घंटे तक, तो बस यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो इसलिए कोई भी बड़ी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब बात करें भाई कि ये आंशिक है तो कैसे है, तो भाई उसके पीछे माजरा ये है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, तो चंद्रमा सूर्य से बहुत छोटा है, तो पूरी तरह से जब उसके सामने आता है ऐसे तो छिटक के उसकी रोशनी चारों तरफ पड़ती है, तो वो रिंग का आकार ले लेती है। हिंदी में वलयाकार कहते हैं, इंग्लिश में रिंग ऑफ फायर के नाम से डराया जाता है। ठीक है कि भाई देखिए कहीं ना कहीं आग लग गई, तो इस तरह से बातों पे परेशान मत होइएगा। तो इस तरह से तो कहीं ना कहीं ये होता है, रिंग ऑफ फायर का आकार ऐसे ले लेता है कि रिंग जैसी आकृति बन जाती है। ये बहुत बढ़िया कहीं ना कहीं दृश्य रूस, कनाडा और अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी राज्यों में देखा जाएगा, बहुत अच्छा नज़ारा होगा। अब इसका क्या जनमानस पे प्रभाव पड़ रहा है, इसका प्रभाव स्वास्थ्य पे पड़ेगा भाई, निश्चित पड़ेगा, और 3 राशियों पे पड़ेगा। मेष हो गई,
वृषभ हो गई थोड़ी बहुत और वृश्चिक हो गई थोड़ी बहुत, इन पे असर पड़ेगा, खास तौर से वर्ल्ड वाइड मैं बता रहा हूँ। अभी भारत पे इन तीन राशियों पे ही असर पड़ेगा, लेकिन बहुत कम, क्योंकि इतना ग्रहण का असर नहीं है भारत पे। निश्चित तौर पर खास तौर से ये सूर्य जो पिता का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है, सरकार का कारक है, तो देख ही रहे हैं आजकल आप, मोदी जी हमारे वैसे ही बैकफुट पे हैं आजकल, लोग पसंद नहीं करते हैं जब वो बोलते हैं आजकल, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी वजह रही कि सरकार बैकफुट पे, चंद्र ग्रहण था, अब सूर्य ग्रहण है। चंद्र ग्रहण कहीं ना कहीं सरकार के जो पैसे का रूटीन है उसको बनाए रखता है, सूर्य ग्रहण सरकार की सत्ता नेम फेम, तो कहीं ना कहीं वो उन पे प्रभाव आएगा, जो सर्वोच्च पदों पे बैठे लोग हैं उन पे प्रभाव आएगा, बड़े राजनेताओं पे प्रभाव आएगा निश्चित तौर पर। 10 खास तौर से अगर देखा जाए, 10 जून से लेकर 30 जून तक का समय कोई खासा अच्छा नहीं रहेगा। पूजा पाठ करनी चाहिए, शनि जयंती पे होने की वजह से, शनि जयंती कौन, शनि कौन, लोअर तबका, क्लर्कल ग्रेड एंड फ्लाफ देखा, तो नीचे का जो तबका है सरकार में और जो ऊपर का तबका है, मतलब ये IAS नेता मंत्री, इन सब के बीच विरोधाभासों का टकराव की स्थिति देखी जाएगी। कुछ बड़े नेता इससे पीड़ित होते हुए दिख रहे हैं, कुछ बड़े IAS कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री से लेकर बड़े नेताओं का भी आभामंडल में कमी आती हुई नजर आ रही है अगले 15 दिन तक, उसके बाद स्थिति बेहतर हो जाएगी, इसलिए बहुत परेशान मत होना भाई। हाँ, तो बता दिया सूर्य ग्रहण क्या था, सूतक के कोई नियम नहीं है, बेबी मेरी जितनी माताएं बहनें बढ़िया एंजॉय करें, कहीं कोई समस्या नहीं दिखती है। बाकी उस दिन तो मैं तेज चैनल पे रहूंगा ही पूरे दिन, तो मुझे आप आज तक तेज पे देख सकते हैं। और हाँ, मैंने वादा किया था भाई, क्या प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रभाव तो छोटी सी चीज़ है क्योंकि आंशिक ग्रहण है, उससे बड़ी चीज़ें उपाय वो जरूर नोट करिएगा, और इसको शेयर सब्सक्राइब लाइक करिएगा, औरों तक पहुँचाइएगा, जिससे कि वो भी ये उपाय कर सकें, मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकें, एस्ट्रोलॉजी प्रतीक फुट फेसबुक पे टाइप करके। मेष राशि वालों, दूसरे घर में है, वाणी प्रभावित होगी, फैमिली में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, फैमिली का कोई व्यक्ति प्रभावित होगा, इस वजह से आपका मन भी कहीं ना कहीं दिक्कत, मतलब प्रभावी रहेगा। बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको निश्चित तौर पर बूंदी का दान करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि वालों, लग्न में भाई कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, सूर्य राहु है, भटकाव की स्थिति रहेगी, हो सकता है कहीं मोटा नंबर दो का पैसा अंदर कर लें आप, अगर आप सरकारी बड़े पदों पे, वही आपकी गले की हड्डी बन जाएगा आने वाले समय में, तो दूर रहिएगा उससे। उसी के साथ साथ वैवाहिक जीवन में दिक्कत, विवाह में समस्या रहेगी, कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम रहेगी, नौकरी में लोग शत्रु खड़े होंगे, हाथ धो के पीछे पड़े रहेंगे। ये सारा राशिफल फिर बता दे रहा हूँ, सिर्फ 15 दिन के लिए वैलिड है, क्या करें भाई, निश्चित तौर पर गणपति चालीसा का पाठ करिएगा, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की, निश्चित तौर पर 12वें घर में है, कहीं ना कहीं नहीं अच्छा माना जाता है। 12वें घर में ये गोचर खर्चे बढ़ाएगा, अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव बढ़ाएगा, वोमेन वाइन में खर्चे बढ़ाएगा, उस वजह से घर में टकरार होगा, क्रेडिट कार्ड के बिल बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ेगा, पति पत्नी के रिश्ते खराब। क्या उपाय करें, श्री कृष्ण भगवान की आराधना करिएगा, लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों, 11वें भाव में है ये, निश्चित तौर पर बेहतर है, 11वें भाव में ये गोचर समाज से प्रतिष्ठा दिलाएगा, मित्रों का साथ दिलाएगा, उसी के साथ साथ जीवन में तरक्की दिलाएगा। क्या करें, शिव अमोघ कवच का पाठ करिए। सिंह राशि वालों, भाई सिंह राशि वालों खास तौर से आपके 10वें भाव में है, तो कैरियर पे लांछन लग सकता है, ब्रेक लग सकता है, उठा पटक हो सकती है, आपको डिमोट किया जा सकता है, किसी खराब जगह पे आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, इन सब पे ध्यान दीजिएगा। इसके लिए सूर्यदेव का खास तौर से सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिएगा। कन्या राशि वालों, भाग्य भाव में है, तो किस खरीद फरोख्त इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से दूर रहिएगा, यात्रा से दूर रहिएगा, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल दीजिए। तुला राशि वालों, 8वें भाव में निश्चित तौर पर कर्जे से बचिएगा, किसी इंश्योरेंस लोन में किसी को जबरदस्ती पैसा ना दीजिएगा, कोई 420 का काम नहीं करिएगा, पैतृक संपत्ति को संजो के रखिएगा, उसी के साथ साथ कोर्ट कचहरी विवाद इन सब से बच के रहिए। खास तौर से आपके लिए अगर उपाय की बात करूं तो निश्चित तौर पर माँ दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी का पाठ करिएगा। वृश्चिक राशि वालों, निश्चित तौर पर आपके 7वें भाव में भाई गोचर है, तो पति पत्नी के बीच अनबन, पत्नी पति के बीच अलगाव,
बिजनेस में नुकसान हो सकता है, सुंदरकांड का पाठ करिएगा। धनु राशि वालों, आपके छठे घर में निश्चित तौर पर बीमारियां बढ़ती हुई दिख रही हैं, पिता से टकराव बढ़ता हुआ दिख रहा है, हृदय संबंधी रोग हो सकता है, पिता को कोई समस्या हो सकती है, उसी के साथ साथ कर्जा बढ़ सकता है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करिएगा। मकर राशि वालों भाई, मकर राशि की अगर बात करें तो पांचवें भाव में है, संतान रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, हायर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रेम संबंधों में अलगाव भटकाव और टूट हो सकती है, तो उसके लिए बचने के लिए आपको शिव भगवान की उपासना करनी चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि वालों भाई, निश्चित तौर पर आपके चौथे घर में है तो घर की शांति पर ध्यान दीजिएगा, बाकी जीवन अच्छा चलेगा, घर गाड़ी बंगले का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा जिस दिन के ग्रहण पड़ रहा है घर के बाहर मेन गेट पे। मीन राशि वालों, निश्चित तौर पर तीसरे घर में है पराक्रम, भाई भाई बहनों के साथ अनबन हो सकती है, छोटी मोटी यात्रा अगर हो सके तुरंत, अगर हफ्ते भर तक नहीं करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसी के साथ साथ गेहूँ का दान कर दीजिएगा या सूर्यदेव को जल दीजिएगा, लाभ मिलेगा। तो भाई ये था सूर्य ग्रहण का कंप्लीट प्रभाव, उसके बारे में जानकारी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट ट्विटर फेसबुक पे टाइप करिए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।